सामान्य तौर पे जब ट्रैफिकिंग की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो वेश्यावृत्ति पैसे के लिए वेश्यावृत्ति की जो बात है सिर्फ वही लोगों के दिमाग में आती है, लेकिन उसके और भी कई आयाम हैं जिसको जनरली लोग टच नहीं करते, उसके बारे में बातचीत नहीं करते। ट्रैफिकिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब बातचीत की जाती है और ट्रैफिकिंग के जब बृहद आयाम के तौर पर देखकर कुछ चर्चा होती है तो उस संदर्भ में आपका जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हिस्सा भी आता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बच्चों को जो ले जाते हैं रोजगार के लिए या और इस तरीके के दूसरे कामों के लिए, यहाँ तक कि सर्कस में जो बच्चों को ले जाते हैं, सर्कस में जो काम कराते हैं वो भी उस हिस्से में आता है। ये जो बॉन्डेज लेवल का पार्ट है, जो बंधुआ मजदूरी का जो पार्ट है वो भी उसका हिस्सा है। इसी तरीके से जो फेक मैरिज के जो केसेस आते हैं सामने हमारे, लड़कियों की महिलाओं की शादी यहाँ से किसी अन्य जगहों पर ले जाकर उनकी शादी करवाना, उनको बंधक बना करके रखना, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके परिवार वालों को पैसे दे करके, क्योंकि पैसे दे करके भी शादी का जो एक वो चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसके हिस्से पे ही देखा जाता है। इसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्रियल पार्ट पर देखेंगे तो चूड़ी बनाने का काम, कारपेट का काम, दरी और कालीन जो भी काम है, ये सारी चीजें भी उसी पार्ट पे आती हैं। यहाँ तक कि जो ईट भट्टों पे जो मजदूर हैं उनकी भी जो स्थिति है, कई जगहों पे ये देखने में आया कि वो उनको काम करते रहते हैं लेकिन उनकी मजदूरी समय से नहीं मिल पाती है, उनको इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये सारी चीजें ट्रैफिकिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती है और ट्रैफिकिंग के हिस्से पे उसको समझा जाता है। विश्व के स्तर पे अगर बात करें तो ट्रैफिकिंग को टॉप मोस्ट तीन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में संगठित अपराध हैं उनकी श्रेणी में देखा गया है। विश्व के स्तर पे ड्रग का जो इस्तेमाल होता है एक वो है, दूसरा ये है और हथियारों का तीन जो मुख्य ऑर्गेनाइज क्राइम है उनके तौर पे इसको हमेशा से देखा गया है और उन्हीं सारी चीजों को लेकर के ये बात की हमेशा से उठाई जाती रही है कि इस पे सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है और इसके लिए सबको साथ आकर के तभी जाकर के इसका निराकरण हो सकता है। मैं समझता हूँ अभी हम लोगों ने कम से कम 10 जनहित याचिकाएं कर दी और कम से कम 1500 मानव तस्करों के खिलाफ मुकदमे लड़ रहे हैं, 1000 से ज्यादा लड़कियों को मुक्त कराए हैं और अभी तो परसों ही था आपके फ्रंट पेज में था जो जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में अभी उन्होंने कराया, जो रेप हुआ बेटी को पुलिस ने कोई इलाज नहीं किया बनारस में, उससे पहले भी मतलब कि आपके 12 लाख बच्चियां भी बंधक के अभी वो भी फ्रंट पेज ही था अपनों के जनहित याचिका जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट मिलाकर तो हमने 10-11 फरवरी को जनहित याचिकाएं कर दी हैं और वो उनका आधार है वो पूरे जो करीब 1000 मुकदमे हम लड़ रहे हैं मानव तस्करों के खिलाफ। ठीक है, अब धारा 370 आ गई, आपका इसी बदल गया है, पर 370 लागू कौन कर रहा है मानव तस्करी को, कोई दरोगा ने उसके ऊपर जनहित याचिका किया, लड़कियों को कॉम्पनसेशन के ऊपर एक लड़की को उत्तर प्रदेश में कॉम्पनसेशन नहीं दिया को, उस पर जनहित याचिका हमने की। ठीक है, और इनके मैंने सरकारी आंकड़े निकाल कर बताया कि भैया मैं तो करोड़ों को जानता हूँ, छोड़ दीजिए वो, आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 12 लाख बच्चियां बंधक हैं कोठों में नाबालिग, अब तुम छुड़ाते कितना, पूरे हिंदुस्तान में 250 लड़की छुड़ाता है लगभग अंदाज से, उससे ज्यादा तो मैं छुड़ा देता हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, मेरे पीआईएल में सब कुछ है। ठीक है, तो ये पूरे चीज को जब तक हम लोग बाहर लेकर आएंगे नहीं, सवाल नहीं उठाएंगे तब तक उसका समाधान नहीं होगा। किसको मालूम था कि दिल्ली रेप के बाद सबने वादा किया गरीब तो कानून भी हमने बदल दिया, हमें कॉम्पनसेशन कर दिया विक्टिम को, दिया किसी को नहीं, 370 धारा किस कहीं नहीं लगाया, कॉम्पनसेशन कहीं नहीं दे रहे तुम।